हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगा हॉल एंड लहंगा के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी रफल वाली साड़ी, नेट साड़ी, जो आपने रिसेंटली मेरी फ्रेंड की शादी में पहने हुए मुझे देखा था एंड काफ़ी कमेंट्स आए थे कि दी आपने ये साड़ी कहाँ से ली है। तो फाइनली मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये साड़ी कहाँ से ली है। तो मैंने ये साड़ी ली है जटकी से। जटकी कोई ऐप नहीं है, जटकी एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड आज मैं आप सबके साथ जो लहंगा एंड साड़ी शेयर करूंगी उन सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। गाइस, जटकी के जो कपड़े की क्वालिटी होती है ना, वो काफी अच्छी होती है एंड काफी कम प्राइस में आपको बहुत ही प्यारी प्यारे से कलेक्शन मिल जाएंगे। मैं इस चीज की गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, वो साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड बहुत ही कम प्राइस में है। मतलब काफ़ी रीजनेबल प्राइस में बहुत प्यारी साड़ी मिल गई है मुझे। इतने प्राइस में इतनी सुंदर साड़ी मैं बिल्कुल भी मतलब सोच नहीं सकती थी कि मिल जाएगी, बट जटकी पे मुझे मिल गई। जटकी पे आप चेक कर सकते हो, आपको लहंगा साड़ी एंड और भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बहुत सारे बहुत ही प्यारे प्यारे से कलेक्शन है। तो सबसे पहले मैं अपनी साड़ी शेयर करती हूँ जो मैंने लिया है। तो साड़ी है मेरे पास ये बहुत ही हल्का सा कलर, पीची कलर है ये, आप लोग देख सकते हो। नेट की साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट वाला जो नेट होता है ये, वो वाला नेट है। एंड नीचे की तरफ इस तरीके के लगे हुए हैं रफल ही बोलते हैं ना इसको। एंड इस तरीके से पूरे उस पर थ्रेड वर्क है, ये थ्रेड से ये पूरा वर्क हुआ है, इस तरीके से पूरी साड़ी पे वर्क है, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइज, पहनने के बाद ही बहुत ही अच्छा लगे गर्ल्स पे स्पेशली, अगर कोई गर्ल्स पहनती है किसी टीचर डे पे या किसी फंक्शन में, किसी वेडिंग में, तो गर्ल्स के ऊपर ये बहुत ही सुंदर लगेगी साड़ी। वन हैंड करके मैंने इसको कैरी किया था एंड जब मैंने ये साड़ी कैरी किया था ना, तो शादी में भी मुझसे सबने पूछ दिया था कि ये साड़ी तुमने कहाँ से ली है, क्योंकि ये लगी इतनी प्यारी रही थी कि सबके मुंह से अपने आप ही निकल गया और मुझे पर्सनली मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। एंड इसके साथ मुझे मिला है ब्लाउज एंड ब्लाउज के साथ साथ पेटीकोट का कपड़ा, ये मिलता नहीं है वैसे, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला है पेटीकोट का कपड़ा भी मिला है एंड ब्लाउज का कपड़ा भी मुझे मिला हुआ है। तो ब्लाउज है इस तरीके का, और ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो है साटन में है, आप लोग देख सकते हो। और मैंने ब्लाउज स्टिच भी करा लिया क्योंकि मुझे पहनना था, हुआ ये था ना कि मैं कुछ लेके नहीं गई थी अपने घर पे, मतलब कुछ अच्छा सा लेके नहीं गई थी, तो मेरे पास यही ऑप्शन था, तो मैंने इसका ब्लाउज जल्दी जल्दी से स्टिच कराया एंड पहन लिया। तो इस तरीके का मैंने ब्लाउज सिलवाया, पूरे ब्लाउज पे वर्क है, बैक साइड पे भी एंड फ्रंट साइड पे भी, तो काफ़ी अच्छा खासा, और कपड़ा भी अच्छा खासा है ब्लाउज का, इतना स्लीव्स इजीली बन जाएगा। एंड इसके साथ मुझे मिला है पेटीकोट का कपड़ा जो है साटन का, इस तरीके का है, जिसका मैंने पेटीकोट भी ऑलरेडी बनवा लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसका साड़ी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट है मेरे पास ये रानी पिंक कलर का लहंगा, आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा है, बहुत ही मतलब अच्छा है, ब्राइडल टाइप्स दिखता है ये लहंगा। अगर आपकी नंद की शादी है, अगर आपके देवर की शादी है और आप कुछ इस तरीके से कैरी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, ये सिल्क के ऊपर है, इन है, इस तरीके का है, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लहंगा है गाइज। एंड इसका जो कलर है वो रानी पिंक कलर है, आजकल ये वाला कलर ट्रेंड में है। एंड इस तरीके का पूरे लहंगे पे वर्क है, मैं आपको पहन के दिखा दूंगी जिससे आपको इजिली चीज़ें समझ आ जाएगी कि इस डिज़ाइन किस तरीके का है एंड ये कैसे दिखता है। सिल्क फैब्रिक में है, बहुत ही प्यारा वाला सिल्क है, चुभने वाला सिल्क नहीं है, अनस्टिच है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टिच करा सकते हो। एंड ब्लाउज भी है, वो भी अनस्टिच है, इस तरीके का ये लहंगा है। एंड इस पे जो ये वाला ऐसे करके डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, आप लोग ये वाला डिज़ाइन देख सकते हो, इस डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हैवी लुक देगा अगर आप इसको पहनोगे तो। और इसके साथ जो चुन्नी मिली है, उस पूरी चुन्नी पे इस तरीके से बॉर्डर लगा हुआ है एंड नेट की चुन्नी है, नेट जो है चुन्नी में यूज़ किया गया है, वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट वाला जो नेट होता है ना, वो ये वो वाला नेट यूज़ किया है, इस तरीके की पूरी चुन्नी पे वर्क है, आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइस, इसका जो ब्लाउज है ये है, इस ब्लाउज पे भी फ्रंट पे एंड बैक में पूरे में वर्क है इस ब्लाउज में, तो ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी अच्छा खासा लेंथ है, इस तरीके का ब्लाउज है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्लीव्स पे भी डिज़ाइन दे रखा है, कैप स्लीव्स पे भी डिज़ाइन आ जाएगा एंड फ्रंट पे भी आ जाएगा एंड बैक पे भी आ जाएगा, बैक है ये, फ्रंट बैक दोनों पे डिज़ाइन आ जाएगा, तो ब्लाउज भी काफ़ी अच्छा है। ब्लाउज का जो कपड़ा है वो भी सिल्क में दिया हुआ है।
नेक्स्ट है मेरे पास ब्राइडल लहंगा मरून कलर में, डार्क मेहरून कलर है ये आप लोग देख सकते हो। एंड लास्ट वाला जो मैंने आपको अभी पिंक वाला दिखाया उसमें केन लगी हुई है नीचे, अच्छा खासा जो घेरा निकल के आता है ना, अभी आप मुझे पहनोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और ये मेहरून कलर में है, इसमें इस तरीके का वर्क है, क्या बोल सकते हैं आप लोग, देखो आपको समझ आ जाएगा, इस तरीके से पूरे लहंगे पे वर्क है। एंड गाइज ये लहंगा ना ब्राइडल के लिए बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा है, अगर कम प्राइस में आप लेना चाहते हो तो ये लहंगा ले सकते हो। इस तरीके से पूरे लहंगे पे वर्क है, काफ़ी हैवी है, यहाँ पे पेन हो रहा है मेरे एक हाथ से उठाने में ही, बहुत ज़्यादा हैवी है आप देख सकते हो। एंड इसके नीचे केन लगी हुई है, इस तरीके की केन है जो मतलब घेरा अच्छा खासा देता है, यहाँ तक डिज़ाइन है एंड यहाँ डॉट डॉट है। रेशम घी वाला लहंगा ना गाइस बहुत ही सुंदर है, आप लोग ज़रूर चेक करना, ये लहंगा काफ़ी वेट है इस लहंगे में एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में है। और ये भी सिल्क पे हुआ हुआ है मतलब ये भी सिल्क पे पूरा डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हो सिल्क का कपड़ा यूज़ किया गया है एंड काफ़ी हैवी है, यहाँ पे पेन हो गया मुझे आपको दिखाने में ही। एंड इसके साथ मुझे मिला है ये ब्लाउज़ जो भी सिल्क में है ब्लाउज़ भी, एंड फ्रंट पे, नेक पे, फ्रंट एरिया पे, बैक एरिया पे, हैंड पे, सारे तरफ आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, तो बहुत ही सुंदर सा आप बनवा सकते हो, देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ भी दिया हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा गाइज। मैं ज़रूर कैरी करूँगी अब किसी फंक्शन में ये लहंगा, क्योंकि मुझे लहंगा बहुत ही पसंद आया है, ये देख सकते हो। ये चुन्नी है नेट की, और नेट की चुन्नी के यहाँ साइड साइड में पूरे में बॉर्डर लगा हुआ है इस तरीके से, बहुत ही प्यारी सी है ये चुन्नी। एंड ये लहंगा भी काफ़ी सुंदर है गाइज, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये लहंगा भी काफी सुंदर है। नेक्स्ट है मेरे पास पीच कलर में लहंगा, जो अगेन ये लहंगा भी काफी हैवी है, काफी हैवी आप लोग देख सकते हो, पीच कलर में है एंड डार्क ग्रीन, सॉरी हल्का वाला जो पैरोट ग्रीन होता है ना उसका कॉम्बिनेशन में इस पर पूरे में डिज़ाइन है, इस तरीके का डिज़ाइन है, थ्रेड में है ये भी डिज़ाइन, रेशम थ्रेड में शायद, मुझे इस डिज़ाइन का ना एक्चुअल चीज़ पता नहीं है कि ये कौन सा डिज़ाइन है, बट मैं इसलिए आपको क्लोथ से दिखा दे रही हूँ जिससे आप समझ जाओ। और इस तरीके से वाइट वाइट पूरे में लगे हुए हैं, इसे वाइट वाइट सारे लहंगे में लगे हुए हैं। एंड ये लहंगा भी काफ़ी हैवी है, नीचे से जो इसका बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से है, और इसमें भी केन लगी हुई है, आप लोग नीचे देख सकते हो इस तरीके से केन लगी हुई है जिससे घेरा काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी वेटेड है गाइज ये लहंगा। और यहाँ पे बेल्ट एरिया पे इस तरीके से, मतलब काफ़ी हैवी है, अगर आपके भाई वाई की शादी है, देवर की शादी है, तो उसके लिए ये लहंगा बेस्ट है, आप उसमें ये कैरी कर सकते हो, बिल्कुल अलग एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे। ब्लाउज़ जो है वो इस तरीके का है, पूरा हैवी ब्लाउज़ निकलेगा, मतलब इस तरीके का ब्लाउज़, इतना हैवी ब्लाउज़ बनेगा, बहुत ही प्यारे लगोगे आप। बैक ये है एंड फ्रंट ये है, और स्लीव्स पे आपको, स्लीव्स पे भी वर्क मिलेगा, स्लीव्स ये है, मतलब बहुत हैवी ब्लाउज बनेगा, ये लहंगा भी काफ़ी हैवी है गाइस, ये लहंगा भी आप चेक करना, आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये चुन्नी है जो है सी ग्रीन कलर है ये वाला, बहुत ही हल्का वाला पैरोट सी ग्रीन कलर है, नेट की चुन्नी है, काफ़ी कंफर्टेबल है चुन्नी, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है चुन्नी का, बिल्कुल सॉफ्ट वाला नेट है, इस तरीके का बॉर्डर पूरी चुन्नी पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का है पूरा, ये चुन्नी भी काफ़ी अच्छी है। इन सारे लहंगे के जो प्राइस है ना गाइज बहुत ही अच्छे हैं। वाला लहंगा जो है डार्क ग्रीन कलर में, मैं एक मिनट दिखाती हूँ, ये सारे लहंगे अनस्टिच है, आप अपने हिसाब से स्टिच करा लेना, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है ये लहंगा, और ये भी काफ़ी हैवी है, ये गर्ल्स टाइप, मतलब गर्ल्स के लिए बेस्ट है, इस तरीके से नीचे पूरा डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हो, ये जो वो सितारे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुँह में ही है बट याद नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हमें याद होती है बट हम जब बात कर रहे हो उस चीज़ का तो याद नहीं, तो सीक्वेंस वर्क है इसमें पूरे में, डार्क ग्रीन कलर में है, बहुत सा अच्छा खासा इसमें घेरा है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से केन लगी हुई है नीचे, एंड जॉर्जेट फैब्रिक में है, इसका भी घेरा बहुत ही प्यारा है। एंड इसके साथ मुझे मिली है ये चुन्नी जो कि जॉर्जेट में ही है ये चुन्नी, एंड इसके साथ मिली है मुझे ये चुन्नी जो कि जॉर्जेट में, इस तरीके का लेस लगाई हुई है,
पूरी चुन्नी में इस तरीके का लेस है एंड इस पे भी सीक्वेंस वर्क है पूरी चुन्नी पे। चुन्नी का जो कपड़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट है एंड इन सारी चुन्नी का जो लेंथ है ना वो काफ़ी अच्छा है लेंथ। एंड इसका जो ब्लाउज है वो गाइज ये है, पूरा सीक्वेंस वर्क है ब्लाउज पे, फ्रंट है ये और ये है बैक, और जो स्लीव्स आएंगी ना इसके स्लीव से वर्क नहीं है तो इस तरीके। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ली है जटकी से। तो गाइज आप लोग ज़रूर से ज़रूर बाय करें, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए, सेफ रहिए और मुझे अपना खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए और मैं ऐसे ही आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ अच्छे अच्छे हॉल लेके आती रहूँगी। बाय बाय।